तो दोस्तों देख सकते हो आज की डेट में भी हमारे पहाड़ों में ऐसे बने हुए मिट्टी के बने हुए घर देखो, बहुत ही पुराने घर हैं ये। इन घरों में अभी भी लोग रहते हैं, देख सकते हैं आप कैसे गिरे हुए भी हैं पत्थर। हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। तो मैं शिखा रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ धामी फैमिली ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही शाम के टाइम से, अभी बजे हैं शाम के 4:15, और मैं जा रही हूँ अभी प्रिंसी को ट्यूशन पहुँचाने। मेरे चप्पल थे छत में ही, कल मैं शाम को छत में आई तो मैं चप्पल छत में ही छोड़ के चले गई थी, तो मैं छत में चप्पल लेने आई थी अभी, और देखा मैंने सुबह किया था योगा तो मैं दरी उठाना भूल गई और मेरी दरी पूरी गीली हो गई। और मौसम की बात की जाए तो मौसम आज मौसम बड़ा बेमान है बड़ा। तो सुबह से हल्की फुल्की धूप लगी हुई थी 10-11 बजे तक, फिर 12 बजे से बारिश शुरू हो गई है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, जैसे कि देख सकते हैं आप छत पूरी गीली हुई है और हो रही है अभी भी बूंदाबांदी। और प्रिंसी जा रही है अभी ट्यूशन 1 तारीख से, तो चलती हूँ मैं प्रिंसी को ट्यूशन छोड़ने। आजकल हम शॉर्ट रास्ता देख लिया है, शॉर्ट रास्ते से जाते हैं तो 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, नहीं तो रोड के रास्ते जाने में तो 15 मिनट से 20 मिनट भी लग जाते थे। तो चलते हैं हम, तो टीवी नहीं चल रही अभी, क्या हो रही, बारिश हो रही है, सिग्नल नहीं आ रहा है बेटा, सिग्नल नहीं आ रहा है। और ये देखो ये कैसा मुँह फुला के कैसा बैठा है, ये देखो इसको देखो आप, ये क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, आप आने नहीं दे रहे हो, ये भी आने की जिद कर रहा है। दो ही छाते हैं, छाता तो 3 भी हैं। तो दीदी को छोड़ने जाता हूँ बोल के रो रहा है, और मुझे जाना था चक्की, वो गेहूँ है वो कट्टे में दिख रहे हैं वहाँ पे इधर ही, मैं सुखाए मैंने कल भी आज भी, पर सूखे नहीं, बारिश ही हो जा रही आधे आधे दिन तक। और तो आज तो आटा भी ख़त्म हो गया है, तो अब कट्टे लाना पड़ेगा शायद। मिट्ठू कहाँ गया आज, और मिट्ठू भी नहीं देख रहा आज तो, है ना। चलो ये दोस्तों ये भी टमाटर है, आजकल टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं हमारे यहाँ 200 रुपये किलो। और ये वाले भी पेड़ वाले टमाटर, इनकी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है ना भी, खा रखी आपने, चटनी नहीं खाई है, नहीं। है? अच्छा। और तो ये गली के रास्ते जा रहे हैं हम, यहाँ से सीधा हम पहुँचते हैं कोचिंग सेंटर के पास ही, नहीं तो रोड में जाना पड़ता था, फिर रोड क्रॉस का भी थोड़ा दिक्कत रहता था। यहाँ से तो प्रिंसी अकेले भी चले जाती, बट मेरा मन ही नहीं मानता है, प्रिंसी तो रोज़ बोलती है ना भी, अकेले जाती हूँ, पर मैं इसे अकेले नहीं भेजती हूँ। और ये हमारे यहाँ मक्के भी लग गए हैं, मक्के होने भी लग गए हैं, लोगों ने तो खाना भी स्टार्ट कर लिया, पर हमने बोया ही नहीं है तो कहाँ से खाएंगे। ये यहाँ से नीचे जाते थे पहले नीचे रोड में, अब यहाँ से ऊपर जाके वहाँ से तिरछा सीधे गली गली निकलेंगे हम। तो प्रिंसी को छोड़ के हम लोग पहुँच चुके हैं घर, रास्ते में बहुत ही गंदगी, ऐसी कीचड़, कौन जाए प्रसाद के दिनों में तो इधर उधर जाना, मतलब महाभारत पैर घिना के मेरे तो ऐसे हो जाते हैं। तो पहुँच गए, तो प्रतीक को अब सोने का काम नहीं करना है, आज मैं नहीं सोने वाली हूँ, और प्रतीक को पढ़ा रही हूँ, प्रतीक को लिखा रही हूँ। मैं क्या लिख रही हूँ बेटा, आप सप्ताह के नाम, सोमवार, मंगलवार, इंग्लिश, हिंदी, इन बच्चों की इतनी बेकार हिंदी हो गई है, हिंदी में कुछ नहीं आता है, इंग्लिश टोटली इंग्लिश, पर हिंदी भी बहुत ज़रूरी है। और पहाड़ से मंगाए थे मैंने आज आलू, तो आलू भेजे हैं, तो गाड़ी किसी भी टाइम पहुँच सकती है, इसीलिए मैं नहीं सोची, नहीं तो मैं सोने वाली थी 4 से 5, तो अब मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि फ़ोन आएगा तो बीच में मुझे उठना ही पड़ेगा, तो सोती नहीं हूँ, उससे अच्छा पढ़ा लेती हूँ प्रतीक को। और एक चीज़ किसी का कमेंट आया था कि भैंस पालो, तो भैंस तो मैं पाली लेती, पर भैंस बहुत महंगी है आज की डेट में, जितना हम एक साल में मेरा खाने का पूरा हो जाएगा उतने की तो भैंस ही नहीं मिल रही है। फिर ऊपर से रखने की जगह इस पिथौरागढ़ में इतनी महंगाई है, इंसान के लिए बना पाना इतना मुश्किल हो गया है, 2-3 साल के अंतर्गत ही ज़मीन इतनी धरती से आसमान पहुँच गई, तो अपने लिए तो मुश्किल से बनाए, तो भैंस के लिए कहाँ से बनाओ, जब मुझे पालना होगा मैं खुद पाल लूँगी,
और जब पालना था तब मैंने भैंस भी पाली थी, गाय भी पाली थी, घास भी काटा था, गोबर भी निकाला था और दूध भी निकाला था। आई बात समझ में? तो थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ चाय अपने लिए, प्रतीक के लिए बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी और ब्रेड गर्म करूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को। मैंने चाय भी नहीं बनाई अभी और गाड़ी वाले भैया का फ़ोन आ गया कि आलू आ गए नीचे पे, गाड़ी पहुंच गई है, आलू लेके जाओ। तो प्रतीक को भी ले जा रही हूँ, प्रतीक आते समय छाता लेके आएंगे क्योंकि आलू भी ज़्यादा है, 20 किलो उठा भी पाती हूँ, नहीं उठा पाती हूँ। लो बेटा छाता पकड़ो, आप भी पकड़ो, लो ऊपर आते समय बारिश भी हो सकती है। लो चलते हैं हम रोड में। तो दोस्तों आलू लेके पहुँच गई मैं घर, आलू छोड़ दिया था उसने सब्जी की दुकान पे, वो गाड़ी वाले भैया ने। तो ये है मेरा आलू का कट्टा, इसमें 15 किलो आलू। तो अब बनाती हूँ मैं चाय, तो चलती हूँ किचन में। तो इसमें मैंने चढ़ा लिया अपने लिए चाय और इस फ्राई बिन में चढ़ा लिया दूध प्रतीक के लिए। ये है ब्रेड, अब इसको मैं घी में तल लेती हूँ, दो दो ब्रेड तीनों के लिए। ये दोस्तों मेरे हाथ से छूट गई आज चीनी की बाल्टी और पूरी चीनी गिर गई, ऐसी हो गई। थोड़ा थोड़ा ये गीला भी था तो पूरी चीनी भी गीली हो गई थोड़ी थोड़ी। अब इसको इकट्ठा करती हूँ मैं और शाम को बनाए जाएंगे आज गुलाब जामुन, क्योंकि इसका यूज़ तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो ये प्रतीक का दूध और ये मेरी चाय और ये घी में तले हुए ब्रेड, बिल्कुल रेडी है। आप हम लोग इनका आनंद लेते हैं।